Welcome back. Let's quickly cut across to Kargil, where Chief Minister Omar Abdullah is addressing a public rally with Prime Minister Narendra Modi. मैं कारगिल के लोगों से के तरफ से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं, लेकिन टनल बनते बनते जब तक वो काम मुकम्मल हो तब तक इस इलाके को हवाई सर्विस से जोड़ने की बहुत सख्त जरूरत है। ये लोग न जिद्दी है न इनके दिल में किसी और के बारे में कोई गलत ख्यालात। जब ये लेह में जहाज उतरते हुए देखते हैं तो ये खुश होते हैं कि इनके भाइयों को इनकी बहनों को हवाई सर्विस से जोड़ दिया गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनके दिल में ये शिकवा ये शिकायत जरूर रहती है कि जहां लेह को हमने जहाज पहुंचाया है कारगिल तक हम अभी जहाज नहीं पहुंचाए। उम्मीद करता हूं कि आपके इस दौरे हुकूमत में आज तो आपको एयरफोर्स के जहाज से यहां उतरना पड़ा खास जहाज से। हम उम्मीद करते हैं कि इसी हुकूमत के दौरान जब आप आए तो अपना ही बोइंग जहाज जो है आप यहां उतार पाए जिससे कि यहां कमर्शियल सर्विसेज ये इलाका जो है जुड़ जाए। और तीसरी बात जो मैं यहां जिसका मैं जिक्र करना जरूरी समझता हूं, आपके सामने जो प्लेटो है कुर्बथांग प्लेटो उसका नाम है। कारगिल शहर बहुत फैल गया है, कारगिल शहर को और इसकी आबादी कारगिल शहर और फैले और फूले और तरक्की करे उसके लिए कारगिल शहर को और जमीन की जरूरत है। निचले कारगिल में और जगह है नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर कुर्बथांग का प्लेटो है। हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि फौज को जितना कम इसकी जरूरत है वो अपना जगह जो है रख लें, बाकी जगह जो है यहां के लोगों के हवाले करें, हिल डेवलपमेंट काउंसिल के हवाले करें, ताकि कारगिल शहर जो है यहां कुछ लोगों को हम बसाने में कामयाब हों। अगर ये तीन चीज आप कारगिल के लोगों के लिए कर पाए, टनल, हवाई सर्विस और ये कुर्बथांग प्लेटो, आज तो जो तालियों की आवाज आपने सुनी जनाब, जब आप ये तीन चीजें करके इन लोगों के हवाले करेंगे यहां तालियों की आवाज तो रुकेगी नहीं, बरकरार रहेगी और रहेगी जब तक आप यहां हैं और जब तक आपकी याद रहेगी। यही कारगिल के लोगों की दिल की बातें आपके सामने रखने का मुझे जो मौका आपने दिया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। जो चुतक हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आज आप इन लोगों के हवाले कर रहे हैं उसके लिए भी मैं इन लोगों के तरफ से आपका तहे दिल शुक्रगुजार हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप जल्दी से फिर इस सरजमीन पे अपने पैर रखेंगे। आपसे इजाजत चाहते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला जी। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शिलालेख के अनावरण के साथ 44 मेगावाट चुतक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि सामने रखे रिमोट स्विच के हरे बटन को दबाने की मेहरबानी करें। प्रधानमंत्री जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। प्रधानमंत्री जी ने इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया है और प्रधानमंत्री जी कारगिल शहर की जनता सुबह से ही स्टेडियम में आपको उद्बोधन सुनने के लिए बेसब्र है। आपसे अनुरोध है कि इस विशाल जनसभा को संबोधित करें। मन पर विराजमान यहां के राज्यपाल आदरणीय श्री एनएन वोरा जी, यहां के मुख्यमंत्री श्रीमान ओमर अब्दुल्ला जी, केंद्र सरकार में मेरे साथी मंत्री, ऊर्जा मंत्री श्रीमान पीयूष गोयल जी, राज्यसभा के सांसद श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, अभी अभी जिनको आपने लोकसभा में भेजा है विजयी बना करके,
और आपके आशीर्वाद से लोकसभा में बैठ करके आपके विकास के कामों की दिन रात चिंता चर्चा करते हैं। ऐसे मेरे साथी श्री सुप्तांत छेवांग जी, एडिशनल सेक्रेटरी ऊर्जा विभाग श्रीमान देवेंद्र चौधरी जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मेरा सद्भाग्य है कि मुझे हिंदुस्तान के एक आखिरी छोर पर रहने वाले करगिल के मेरे भाइयों बहनों से बात करने का अवसर मिला है। मैं करगिल पहले भी आया हूं और जैसे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, आज तो जब मैं आया तो मैं तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहा हूं, लेकिन पहले तब भी आया था जब बम बंदूक और पिस्तौल की आवाजें सुनाई दे रही थी, सीमा पार से गोलियां चल रही थी, युद्ध जारी था। उसी समय मैं यहां पर था, आपके बीच रहता था, और एक बात जो मेरे मन को छू गई थी, मैं पत्रकार नहीं था, सबको मालूम था कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, लेकिन जितना समय मैं रुका, मुझे किसी भी जरूरत की किसी चीज की जरूरत पड़ी, यहां के लोगों ने मेरे से एक नया पैसा लिया नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है जी। पानी पियो, चाय पियो, पकोड़े खाओ, खाना खाओ, रात रुको, एक पैसा कोई लेने को तैयार नहीं था। वो कह रहे थे ये भी एक देश सेवा है और हम देश सेवा करते हैं। मैं देख रहा था कि सेना के जवान जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनको जितनी मदद जितना सहयोग आप नागरिकों की तरफ से मिलता था और जिसके कारण उनका हौसला इतना बुलंद रहता था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस दिन टाइगर हिल जीता गया था, करगिल ने जिस दिन जो आनंद उत्सव मनाया था, वो आज भी मेरी आंखों के सामने है। और इसलिए कर देशभक्ति, भारत की रक्षा के लिए उनकी जागरूकता, ये पूरे देश को प्रेरणा देने वाली है। और मैं इस धरती को वंदन करता हूं, यहां के लोगों का अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पुराने जमाने में कहा जाता था कि पानी और जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आते, ऐसा पुराने जमाने में कहा जाता था कि पानी और जवानी पहाड़ के काम नहीं आते। भाइयों बहनों, युग बदल चुका है, इस मान्यता को बदलना हमने ठान लिया है। पहले भले पानी और जवानी पहाड़ के काम ना आती हो, हम ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं पानी भी पहाड़ के काम आए, जवानी भी पहाड़ के काम आए। जब पानी से बिजली पैदा करते हैं, बिजली पहाड़ों को पहुंचाते हैं, वो पानी परोक्ष रूप से पहाड़ों को काम आता है। और यहां की जवानी रोजी रोटी कमाने के लिए परिवार के नौजवान बूढ़े मां बाप को गांव में पहाड़ों में छोड़ करके कहीं चले जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, घर छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, यार दोस्तों को छोड़ करके मजबूर होना पड़ता है, और कहीं जाकर के रोजी रोटी कमाने में के लिए मजदूरी करने के लिए झुग्गी झोपड़ी में गुजारा करना पड़ता है, कभी फुटपाथ पर रहना पड़ता है।
क्या हम हमारी जवानी को ऐसे ही बेकार जाने देंगे? भाइयों बहनों, पहाड़ की जवानी भी पहाड़ को काम आ सकती है अगर पहाड़ के जवानों के पास हुनर हो, कौशल्य हो, विकास का अवसर हो, रोजी रोटी कमाने के लिए अगर उसको मौका दिया जाए तो पहाड़ के जवान को शहर की भीड़ों में जाकर के जिंदगी गुजारना अच्छा नहीं लगता है। और इसलिए ये जो बिजली यहां पहुंची है वो सिर्फ घर के अंदर उजाला करने के लिए नहीं है, लट्टू जलाने के लिए नहीं है, मोबाइल फोन सिर्फ चार्ज करने के लिए नहीं है, टीवी पर भिन्न भिन्न प्रकार के सीरियल देखने के लिए सिर्फ नहीं है, ये बिजली यहां के औद्योगिक विकास के लिए उसकी प्राथमिकता है। छोटे मोटे उद्योग शुरू हो और अगर बिजली उत्पन्न है तो उद्योग की संभावनाएं बढ़ती है। कृषि आधारित कामों का अवसर मिले, यहां की जो परंपरागत हुनर है, कला है, उसको आधुनिक रूप मिले, उसको टेक्नोलॉजी का अवसर मिले, मुझे विश्वास है यहां का नौजवान अपने पसीने से पैसे कमा भी सकता है, परिवार को चला भी सकता है और गौरव भर अपनी जिंदगी का गुजारा भी कर सकता है। ये दूर सुदूर रहने वाले लोग जब बर्फ बीच में आ जाती है तो हिंदुस्तान से कट जाते हैं और उनको कनेक्टिविटी चाहिए। हम प्रतिबद्ध हैं उनको कनेक्टिविटी के लिए। आज मैंने लद्दाख गया था, वहां घोषणा की है, ये रोड का काम बंद पड़ा था। क्यों? क्यों? तो टेंडर की जो रकम थी वो इतनी बड़ी आई थी कि कोई सरकार पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। सरकार आई गई, रोड वहीं के वहीं लटके रहे, बना नहीं। मैंने उसका जब रिव्यू किया तो ध्यान में आया कि जितना बजट हमने तय किया उसे काम नहीं चलेगा, अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ेगी। भाइयों बहनों, हमने तय किया है अतिरिक्त 8,000 करोड़ रुपया लगा करके ये काम पूरा कर दिया जाएगा। मैं जब लाहौर स्पीति जाता था, मैं उस सीजन में भी काम करता था, मैं यहां भी काम करता था, मैं रोहतांग पास से जब रास्ता देखता था मुझे लगता था लाहौर स्पीति से मेरा कारगिल भी जितना जल्द जुड़ जाए देश को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी और वह ताकत देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यहां पर शिक्षा के नए क्षेत्र खुले, यहां के नौजवानों को हिंदुस्तान के किसी भी नौजवान के साथ आंख में आंख मिलाकर के खड़ा हो सके, ऐसी शिक्षा उपलब्ध हो, ऐसे शिक्षा के विकास के लिए भी दिल्ली में बैठी हुई भारत सरकार प्रतिबद्ध है और आने वाले दिनों में आप उसको देखेंगे। आज एक ट्रांसमिशन लाइन का शिलान्यास किया है। यह सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, लेकिन बीच में बात यूं ही रह गई। वाजपेयी जी का वो सपना पूरा करने के लिए हमने कदम उठाया है, करीब करीब 1800 करोड़ रुपया लगा करके ये ट्रांसमिशन लाइन से बिजली की कनेक्टिविटी आपकी श्रीनगर के साथ जुड़ जाएगी, आप हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाओगे ताकि बिजली की कभी कटौती का मुकाबला आपको न करना पड़े, उस प्रकार की व्यवस्था होगी। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर आर्थिक विकास की धरोहर बन सकता है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है, उसकी समस्याओं को गिनती कर करके जन भावनाओं को लुभावने का काम मेरा नहीं है। मैं एक एक समस्या को हाथ में लेकर के उसके समस्या के समाधान के लिए
रास्ते खोजने वाला इंसान है और मेरी पूरी कोशिश रही है कि आप लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं, आपने जो प्रेम दिया है, देश की जनता की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करना, करगिल की जनता की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करना, इसमें पूरी कोशिश करूंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा और जी जान से जुटा रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप देखिए जम्मू कश्मीर का हाल, यहां की पूरी जनसंख्या में करीब 20% लोग विस्थापित हैं। अगर इन विस्थापितों को भी अगर हम स्थापित नहीं करेंगे, उनको रोजी रोटी कमाने का अवसर नहीं देंगे, ये 20% जनता जम्मू कश्मीर के भाग्य को बदलने के लिए हिस्सा बने, इसके लिए जो भी आवश्यक योजना हो उस पर करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। 2 लाख से ज्यादा तो विस्थापित वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज हैं, 1 लाख से ज्यादा भी विस्थापित छम सेक्टर के हैं, 4 लाख से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, 8-10 लाख आतंकवादियों के कारण जिन्होंने अपने परिवार को खोना पड़ा है, बेहाल हो गए हैं, ये भी तो हमारे अपने भाई हैं, उनके जीवन की भी तो चिंता होनी चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, ये 20% के करीब जनसंख्या, उनको गौरव के साथ जीने के लिए, उनके मान सम्मान, क्योंकि उन्होंने भारत के लिए प्यार किया है, भारत के लिए वो जी रहे हैं, उनके लिए अब तक बहुत उदासीनता बरती गई है, निग्लेक्ट किया गया है, अब वो दिन चले गए हैं। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के ऐसे विस्थापित भाई बहनन, किसी भी प्रकार के विस्थापित क्यों न हो, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे परिवारजन हैं, उनका सुख दुख हमारा सुख दुख है, उनकी प्रगति ये हमारा मकसद है, उनका विकास ये हमारा मकसद है, और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए यहां विकास की नई नित्य नवीन योजनाओं के द्वारा हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, एक बात मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूं, अब मुझे लगता है करगिल में वो बात करूंगा तो अच्छा लगेगा। मैं जब गुजरात में काम करता था और कभी भी हम कच्छ जाते थे तो हमेशा कच्छ हम सीमा की समस्या, पाकिस्तान वहां से आने वाली तकलीफें, उसी की चर्चा करते थे, जो भी राजनेता जाए वही बोलता था। मैं मुख्यमंत्री बना तो वहां से 5-7 लोग मुझे मिलने आए, क्योंकि भूकंप के बाद मैं मुख्यमंत्री बना था, भूकंप के कारण भयानक बर्बादी हुई थी वहां, वो मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा था, हमने सुना है आप शपथ के बाद तुरंत कच्छ पहुंच रहे हो। मैंने कहा हां, शपथ के बाद मैं पहला काम करने वाला हूं, कच्छ के भूकंप पीड़ितों को मिलने के लिए आ रहा हूं। उन्होंने कहा हमारा एक सुझाव है। मैंने कहा क्या? बोले मेहरबानी करके जब आप कच्छ आए तो सिर्फ सीमा की समस्याएं, पाकिस्तान, इसमें अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। उसी चर्चा के अंदर सब नेताओं ने हर साल यही काम किया है, आप भविष्य की बात करके जाइए। मैं भी पहले कच्छ जाता था तो यही बातें करता था, लेकिन उस दिन जब उन्होंने कहा तो मेरे मन में स्पार्क हुआ, मुझे लगा हां, इस बात को अलग ढंग से सोचना चाहिए। और मैं जब भी कच्छ गया, मैं 4 टर्म मुख्यमंत्री रहा, मैं जब भी कच्छ के लोगों के पास गया, मैंने सिवाय विकास की कोई बात नहीं की, और विकास को एक महत्वपूर्ण पहलू बना दिया। और कच्छ ऐसा जिला है हमारे यहां जहां गोरे गुजरात में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन कच्छ जिले में है। और कच्छ की और भी एक विशेषता है, हमारे जम्मू कश्मीर के गुजर लोग जो हैं
वो जिस प्रकार के रंग रंगीन कपड़े पहनते हैं, जिस प्रकार का सर पे बांधते हैं, मेरे कच्छ के अंदर भी वैसा ही बांधते हैं। बिल्कुल हमारा कच्छी मुसलमान और यहां का गुजर को खड़ा कर दो तो लगता है ये एक ही बिरादरी के लोग हैं, इतनी साम्यता है, इतनी निकटता है। मैं 4 बार मुख्यमंत्री रहा, इतने सालों तक वहां एक ही काम किया, मुझे डेवलपमेंट करना है। सारे विषयों की चर्चा करना मैंने मेरे लेवल पर बंद कर दिया था। और भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कहता हूं वो कच्छ जिला हिंदुस्तान का तेज गति से विकास करने वाला जिला बन गया, जबकि वो कच्छ किसी समय माइनस ग्रोथ वाला था। हर बार जनसंख्या लोग खाली करके चले जाते थे। उस अनुभव से मैं कहता हूं, चाहे लेह हो, लद्दाख हो, करगिल हो, सीमावर्ती इलाका हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, मेरे लिए यहां की जीवन बदलने का सबसे उचित रास्ता जो मैं अनुभव से सीख के आया हूं वो है विकास। मुझे विकास के रास्ते पर चलना है, मुझे समस्याओं के समाधान में रस है और मुझे जन जन को अपने साथ लेकर के आगे चलने में रस है। आपने हमारा साथ दिया है, आगे भी साथ देंगे, मेरा पूरा विश्वास है। और हम सब मिलकर के जो भारत का भाग्य बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज जो उस भाग्य तक पहुंचने में दूर खड़े हैं उनको सबसे पहले आगे ले जाना है, ये मकसद लेकर के मैं काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, चाहे हवाई कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, सर प्रकार से हिंदुस्तान का कोई कोना अछूत नहीं रहना चाहिए, उसके विकास के लिए पूरा प्रयास होना चाहिए। लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता है रोजगार। मेरे नौजवान को रोजगार मिले, उसके लिए यहां जो उपलब्ध संसाधन है उसी को केंद्र में रखकर के आगे बढ़ना है। पश्मीना हमारी पहचान थी, धीरे 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 हम खो रहे हैं। इसी बजट में हमने कहा है पश्मीना प्रमोशन के लिए P3 प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, ताकि यहां से दूर दूर पहाड़ों में रहने वाले लोगों को एक नया अवसर मिले। यहां का केसर दुनिया के अच्छी क्वालिटी के केसर में जम्मू कश्मीर का केसर है, ये दुनिया के बाजार में अपना डंका क्यों न जमाए। और अगर एक बार विश्व के बाजार में जम्मू कश्मीर के केसर की पहचान बन गई तो मार्केट अपने आप मिलेगा, यहां का मेरा किसान आर्थिक रूप से संपन्न होगा, पैकेजिंग की भी इंडस्ट्री आएगी, ब्रांडिंग की इंडस्ट्री आएगी, मार्केटिंग की इंडस्ट्री आएगी, एक्सपोर्ट करने वाली यूनिट आ जाएंगे, यहां का किसान कमाना शुरू कर देगा। हम फूलों से लदे हुए इलाके हैं हमारे पास, कभी एप्पल की खेती करते हैं लेकिन एप्पल शहर में पहुंचते पहुंचते बिगड़ जाता है, बेचारे किसान का 15-20% तो नुकसान वहीं हो जाता है। लेकिन अगर हम वैल्यू एडिशन करें, और अब जब बिजली आ रही है तो ऐसे छोटे छोटे यूनिट लगा करके वैल्यू एडिशन करके पैक टीन के अंदर उसका जूस हो, उसके कट फ्रूट हो, या एप्पल को बचाना हो, ऐसे ही सुरक्षित रखना हो, वो सब संभव है टेक्नोलॉजी से। हमारे यहां जो कृषि उत्पादन है उसको वैल्यू एडिशन करके औद्योगिक इकाइयों को जोड़ करके हमारे के यहां के किसान को हम ताकतवर बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, विकास तो करना है, लेकिन मैं अनुभव से कहता हूं इस देश को आगे बढ़ने के लिए पैसों की कमी नहीं है। इस देश को आगे बढ़ने के लिए हिंदुस्तान के नागरिकों के पसीने में भी कोई खोट नहीं है, पुरुषार्थ में भी खोट नहीं है, पैसों में भी खोट नहीं है। उसके बाद भी हमारा देश वहीं का वहीं कहां ठप हो गया है। सामान्य मानवीय की जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आता है? और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है, भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हिंदुस्तान के हर कोने से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा।
इतने पैसे अगर ये भ्रष्टाचार का पापाचार बंद हो जाए, उन्हीं पैसों से देश को बहुत कुछ आगे बढ़ाया जा सकता है, नौजवानों की इच्छाओं को पूर्ण किया जा सकता है। मुझे आपसे मदद चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, मुझे आपकी तरफ से ताकत चाहिए ताकि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्थाओं को विकसित करें, ताकि गरीब से गरीब आदमी की भलाई के लिए हमें अवसर मिले, वरना पैसे आएंगे जाएंगे कोई भला नहीं होगा। बात बिगड़ती चली जाती है, मुझे बात को बनाना है। और इसलिए भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी ने जम्मू कश्मीर के लिए जो सपने देखे थे, उन सपनों को हमें पूरा करना है। यहां के जन सामान्य को ताकत देनी है। और भाइयों बहनों, कोई हिंदुस्तान के किसी कोने में कल्पना नहीं कर सकता कि लेह लद्दाख हो या करगिल हो, इतनी बड़ी जनसभा मुझे संबोधन करने का अवसर मिला, हिंदुस्तान में कई लोगों को कल्पना तक नहीं आएगी। आज जब टीवी पर ये चीजें देखेंगे, पूरा देश चकित हो जाएगा, आपकी देशभक्ति से चकित हो जाएगा, आपके उत्साह से चकित हो जाएगा, और हिंदुस्तान के और कोने के लोगों को भी कारगिल के उत्साह से प्रेरणा मिलेगी। ये प्रेरणा लेकर के मैं आज जा रहा हूं। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, और विकास के लिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार कभी पीछे मुड़ करके देखने वाली नहीं है। आपकी आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दिल्ली में बैठी हुई सरकार जितना भी कर सकती है करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि दिल से हम आपसे जुड़े हुए हैं और इसी के कारण हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, आप यहाँ आए हमारे बीच और इस दुर्गम और सीमावर्ती इलाके में लोगों की हौसला अफजाई की।